हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है वसा का संगठन या फिर कंपोजिशन ऑफ लिपिड। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और अगर आपको बायोकेमिस्ट्री के सारे लेक्चर लाइन से देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के और भी काफ़ी सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ लिपिड। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर लिपिड क्या होते हैं, क्या हमारे बॉडी के लिए लिपिड इम्पॉर्टेंट है, लिपिड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एंड काफ़ी सारे एडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिपिड आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कितना हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वैसा ही जो लिपिड होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लिपिड भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें पता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि टूट करके एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। उसी प्रकार जो लिपिड होते हैं वो भी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और जब हमारे बॉडी को नीड होता है, जब हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही लिपिड टूट टूट करके एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। लिपिड जिसे वसा भी कहा जाता है, जिसे हम फैट भी कह सकते हैं, हमारे बॉडी में जो फैट होता है, जो कि हमारे एडिपोज टिश्यू में जो है वो कलेक्ट होकर के रहता है, लीवर में कलेक्ट होकर के रहता है, बोन मैरो में कलेक्ट होकर के रहता है, वही जरूरत पड़ने पर जैसे ही हमें एनर्जी की नीड होती है तो वही एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होते हैं लिपिड। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर जो लिपिड होते हैं वो किन से मिल करके बने होते हैं। तो देखिए, जो लिपिड होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मतलब एक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लिपिड ऐसे होते हैं जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप के जो लिपिड होते हैं वो भी मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। बट ज़्यादातर जो लिपिड होते हैं वो इन तीनों चीज़ों से मिल करके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इतना क्लियर हुआ। अब एग्जांपल देखते हैं कि आखिर लिपिड होते क्या है। तो देखिए, लिपिड किसमें मिलता है, मोम वैक्स, आप लोगों ने देखा होगा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती भी जो है वो एक प्रकार का लिपिड या फिर वसा, फैट ही होता है ना। तेल, जो हम तेल खाते हैं, ऑयल, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, जो हम तेल लगाते हैं, वो सारे लिपिड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बटर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, ये सारे क्या है, लिपिड ही है। नेचुरल रबर, जो पेड़ से रबर निकलता है ना, वो भी तो लिपिड के अंतर्गत आते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल, काफ़ी टाइम आप लोगों ने सुने होगा हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, तो जी हाँ, वो भी लिपिड ही होता है। लिपिड एक हद तक हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में अगर वो प्रेजेंट है, जैसे कि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल, अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा प्रेजेंट है, तो वो हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो देखा जाता है कि ज़्यादा लिपिड हमारे बॉडी के लिए जो है वो नुकसानदायक हो सकते हैं। फैट इत्यादि इनके अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ, एक आइडिया मिल गया कि लिपिड किस टाइप के पदार्थ को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, लिपिड की बात करें ना, तो वाटर में ये अघुलनशील होता है। जैसे कि तेल या फिर मोम को आप पानी में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, है ना, पानी में जो लिपिड है वो नहीं घुलता है। लेकिन जो जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, इथर है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह है, उसमें आसानी से ये घुल जाते हैं। क्लियर हुआ, पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इथर वगैरह, इसमें आसानी से घुलनशील होता है लिपिड। वैसे लिपिड के बहुत सारे काम हैं, सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करना यही काम नहीं है लिपिड का। लिपिड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपिड जंतुओं के लिए, एनिमल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ वो प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूछे कैसे, देखना कुछ पत्तियों को आप छुओगे ना, तो ऊपर में एकदम वैक्स, मोम टाइप से परत रहता है। कुछ पत्ती में आप पानी डाल के देखो, एकदम पानी की बूंदे बूंदे रहता है ना, तो कहने का मतलब है कि पत्तियों के ऊपर भी वैक्स लगा रहता है, वो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी के साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें भी लिपिड का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो चलिए, हम लोग लिपिड के बारे में और भी कुछ चीज़ें जानेंगे। ये तो जस्ट एक इंट्रो था, है ना, लिपिड का। अब चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लिपिड का फॉर्मूला बताती हूँ कि लिपिड का फॉर्मूला क्या है, किससे मिल करके बनता है। देन इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस के बारे में
भी डिस्कस करेंगे। तो इस कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और यहाँ पर जो भी मैं फॉर्मूला बता रही हूँ ना उसको रफली नोट करते जाना। हम लोग बात कर रहे हैं लिपिड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, मतलब जो लिपिड होते हैं वो किन किन मॉलिक्यूल से मिल करके बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो लिपिड होता है ना वो फैटी एसिड्स के तीन मॉलिक्यूल, फैटी एसिड्स क्या होता है वसी हम आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फैटी एसिड्स के थ्री मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं प्लस ग्लिसरॉल। जब फैटी एसिड के थ्री मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है लिपिड। तो चलिए देखते हैं हम लोग फैटी एसिड का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए फैटी एसिड का मॉलिक्यूल नंबर वन CH3CH2 एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर का मॉलिक्यूल है CH3CH2 एंड COOH एंड थर्ड नंबर का मॉलिक्यूल है फैटी एसिड का CH3CH2 एंड COOH। जब हम लोग इन फैटी एसिड के थ्री मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे HOCH2CH CH2CH2OH है ना, तो ये ग्लिसरॉल का वन मॉलिक्यूल है। तो ग्लिसरॉल का ये वन मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के थ्री मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिख देती हूँ ग्लिसरॉल के वन मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के थ्री मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ते हैं ना तो यहां से क्या होता है H2O के थ्री मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाते हैं। कैसे, देखिए इनके जो COOH ग्रुप है उनका एक H और इनका OH क्या बन गया है H2O एंड H2O, मतलब वाटर के थ्री मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएंगे। दोनों आपस में जुड़ेंगे बट यहां से वाटर के थ्री मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और यहां पर बन जाएगा आपका फैट मॉलिक्यूल या फिर लिपिड का मॉलिक्यूल। तो देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर ये तो बाहर निकल गया जो HOHS है, ये वाटर के थ्री मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब क्या होगा, सिंपली यहाँ पर जो COO होगा ना, ये जो COO रहेगा वो CH2 से डायरेक्ट जो है वो जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना COCOCH2 से जो है वो बॉन्ड बना लेगा। बाकी ये सब तो एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको CH3CH2 एंड जो है वो, ये तो तीनों एज इट इज रहेगा। बस इसमें ये होगा कि जो ये HOH है ये तो वाटर के रूप में बाहर निकल गया H2O और जो COO है वो CH2 से जो है वो बॉन्ड बना लेगा। तो बन गया आपका फैट मॉलिक्यूल और वाटर के थ्री मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आया समझ में, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड किनसे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड के थ्री मॉलिक्यूल एंड ग्लिसरॉल का वन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, वाटर के थ्री मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, देन यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, फैट मॉलिक्यूल कहलाता है। आया समझ में गाइस आप लोगों को। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। देन हम लोग इसके बाद हम लोग इसका एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि जो लिपिड है वो हमारे बॉडी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं लिपिड्स के फंक्शन की, तो हमारे बॉडी में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। सबसे पहले तो भोजन के रूप में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भोजन के रूप में लिपिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, मक्खन, पनीर, बटर, ये सबको हम लोग अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इवन बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जैसे कि मांस वगैरह खाते हैं, अंडे वगैरह, इन सभी में भी जो है वो लिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्लस हमारे बॉडी में जैसे लिपिड जो है वो एंटर करते हैं फैट के रूप में, मतलब हमारे बॉडी का जो फैट होता है उसके रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होकर के भी रहता है। जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हमारे शरीर को जरूरत होती है, जो फैट होता है, जो लिपिड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी में कन्वर्ट होता है, देन हमारे बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का है प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में जो लिपिड्स होते हैं वो एक प्रकार के प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनके बाहरी परत में जमे रहते हैं मोम वैक्स के रूप में और उनके लिए प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। अगला है हीट इंसुलेटर या उष्मारोधी। देखना जो अधिक चर्बी वाले व्यक्ति होते हैं, जो थोड़े से मोटे होते हैं उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगता, लेकिन जो एकदम पतले दुबले रहते हैं उनको ज़्यादा ठंड लगता है। तो कहने का मतलब है कि अगर जिनके शरीर में फैट ज़्यादा है तो उनके लिए एक प्रकार का ये हीट इंसुलेटर का काम करता है, मतलब सभी के लिए हीट इंसुलेटर का काम करता है। इवन बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जैसे कि जो बर्फीले एरिया रहते हैं वहाँ के जंतुओं को देखना, काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, मतलब उनके शरीर में अनुकूलता आ जाता है जिसके वजह से जो फैट उनके शरीर में ज़्यादा रहता है ताकि सर्दी से उन्हें उनके शरीर को जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके। तो एक प्रकार से हीट इंसुलेटर का भी ये काम करते हैं। अगला है हार्मोन सिंथेसिस। जैसे बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस में भी लिपिड्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है सीड्स के अंकुरण। पौधे में बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिनके अंकुरण में जो लिपिड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगला है स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल का जो फॉर्मेशन है, जैसे कि
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर साइटोप्लाज्म हो गया, तो इनके जो स्ट्रक्चर है उन्हें बनाने में भी लिपिड काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं, है ना। अगला है देखो रेस्पिरेशन। हम सभी को पता है कि जो लिपिड है जब ब्रेक डाउन होते हैं कीटोन्स वगैरह में, तो जो कीटोन्स होते हैं वो क्रैब साइकिल में भी उनका उपयोग होता है। मतलब कहने का मतलब है श्वसन की क्रिया में भी लिपिड्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही लिपिड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन में। अगला है देखो एज अ सॉल्वेंट। हमारे बॉडी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, तो इन सभी के लिए एक प्रकार के विलायक का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करते हैं कौन, लिपिड, है ना। तो ये है लिपिड के फंक्शन। तो इतने सारे काम होते हैं लिपिड्स के, चलिए हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं फिजिकल एंड केमिकल। तो चलिए इस बात करते हैं लिपिड के गुण की, आखिर में लिपिड में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वैसे तो इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। फिजिकल में क्या, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लिपिड होते हैं वो पानी में तो आसानी से नहीं घुलते हैं, मतलब पानी में अगर आप ऑयल या फिर फैट को घोलोगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन बेंजीन क्लोरोफॉर्म जैसे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें आसानी से घुल जाते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, इनका कोई स्मेल नहीं होता है, बहुत रेयर में ही इसमें स्मेल वगैरह पाया जाता है, है ना। और काफ़ी सारी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी थ्योरी टाइप है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजिनेशन जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। अगर हम लोग लिपिड का हाइड्रोजनीकरण करें, मतलब अगर उसमें हाइड्रोजन हम ऐड करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑयल का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो, रफली नोट कर लो, ये है लिपिड का फॉर्मूला, फिर ऑयल का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकिल के प्रेजेंस में इनका हाइड्रोजनेशन करेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं निकिल के प्रेजेंस में, है ना। तो ये क्या घी में परिवर्तित हो जाता है फैट। जब ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, घी बन जाता है, मतलब जो ऑयल होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो 6H है, मतलब जो हाइड्रोजन के 6 एटम है वो ऑयल में जो है वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर C17H33 है, यहाँ पर देखिए C17H35, मतलब दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं। टोटल 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो दो यहाँ पर एंड दो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, मतलब आसानी से इनका हाइड्रोजनेशन किया जा सकता है, किसका, लिपिड का। क्लियर हुआ, ऑयल किस में चेंज होता है, फैट में, या फिर ये बोल सकते हो कि जो तेल होता है वो घी में आसानी से परिवर्तित हो जाता है इसका हाइड्रोजनेशन करने पर, ठीक। ये तो पहला था हाइड्रोजनेशन। अगला केमिकल प्रॉपर्टी है सोपनीफिकेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे फैट, ऑयल और डिटर्जेंट, उसमें आप लोग देखना कि कैसे साबुन बनाया जाता है। पहले ज़माने के जो लोग होते थे ना, वो तेल से साबुन बनाते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन लोग क्या करते थे, जो बचा खुचा ऑयल रहता था ना उससे उन लोग साबुन बनाते थे। तो आखिर कैसे, तो देखो यहाँ पर जो ऑयल होता था ना उसमें क्या मिला दिया जाता था, 3NaOH को मिला करके 40 से 120 डिग्री सेल्सियस पर उसे जो है वो गर्म किया जाता था। देन उसके बाद ग्लिसरॉल प्राप्त होता था और यहाँ पर साबुन भी प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर ऑयल का फॉर्मूला देखो, ये क्या है, ऑयल का फॉर्मूला है। यहाँ पर 3NaOH का जो है वो रिएक्शन कराया जा रहा है। देन इसके बाद यहाँ पर जो ग्लिसरॉल होता है, मतलब यहाँ पर जो CH2OH, CHOH, and CH2OH, ग्लिसरॉल का वन मॉलिक्यूल तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। लास्ट में 3C17S33OONA, ये क्या है, साबुन का फॉर्मूला है। तो ये साबुन जो है वो प्राप्त होता है। अगर इस प्रक्रिया को आप डिटेल में समझना चाहते हो, पूरे मैकेनिज्म के साथ समझना चाहते हो, तो साबुन नॉलेज अड्डा, सोप नॉलेज अड्डा करके सर्च करना, BSc थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एकदम से डिटेल में बताई हूँ कि किस किस तरीके से रिएक्शन होता है, कैसे साबुन बनता है, है ना। तो साबुनीकरण भी किया जा सकता है लिपिड से, ठीक है गाइस। तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अगर आप लोग याद कर लेते हो, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा अब जो भी फॉर्मूला वगैरह है उसका, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ कम्प्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिपिड के क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो लिपिड है उनको कितने क्लास में डिवाइड किया गया है।
तो अगला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, या जिसे हम लोग कहते हैं लिपिड का वर्गीकरण। तो एक बायोकेमिस्ट थे, मतलब जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था ब्लोर। उन्होंने लिपिड का क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने लिपिड को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 4 भागों में डिवाइड किया था, इनके मतलब इनके करेक्टर के अकॉर्डिंग, है ना, किस किस टाइप से प्रकृति में लिपिड पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। सबसे पहला था सरल लिपिड, सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड के अंतर्गत सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगी। अभी एक यहाँ पर सिनॉप्सिस टाइप देख लो। सिंपल लिपिड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? फैट एंड ऑयल, फैटी एसिड्स एंड मोम, मतलब वैक्स, है ना। कंपाउंड लिपिड के अंतर्गत क्या क्या आएगा? संयुक्त लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोमोलिपिड एक्सेट्रा। थर्ड नंबर का है व्युत्पन्न लिपिड, मतलब डेराइव्ड लिपिड। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल, है ना। चौथा है अनक्लासिफाइड लिपिड, मतलब अवर्गीकृत लिपिड, मोनोटर्पेनिस और डाइटर्पेनिस, और काफ़ी सारे टर्पेनिस आते हैं इनके अंतर्गत। तो सभी को एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर ये क्या क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, और क्या होता है सिंपल लिपिड, क्या होता है कंपाउंड लिपिड। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए सिंपल लिपिड का, पहले सिंपल लिपिड को एक्सप्लेन करूंगी, देन कंपाउंड लिपिड, देन डेरिवेटिव, देन अनक्लासिफाइड लिपिड। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग सिंपल लिपिड के बारे में देख लेते हैं, जिन्हें सरल लिपिड भी कहा जाता है। तो देखिए, जो सरल लिपिड होते हैं उन्हें ग्लिसराइड भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ग्लिसराइड का फॉर्मूला, ग्लिसराइड को सिंपल लिपिड भी कहा जाता है। और जो लिपिड होते हैं ना, उसमें 80-90% जो पार्ट होता है वो ट्राइग्लिसराइड से ही मिल करके बना होता है, ट्राइग्लिसराइड का ही बना होता है। तो ये है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लिपिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल और फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, तो यहाँ से वाटर के 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। शुरू में बताई थी लिपिड का स्ट्रक्चर, तो वही सिंपल लिपिड है ना। तो इसके बाद क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के कंपाउंड होते हैं, या फिर इनके एस्टर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप एस्टर, एस्टर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये है ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला, जो कि सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं। सिंपल लिपिड में जैसा कि मैंने बताया कि जो लिपिड होते हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब नहीं दिखेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वो सब जो आपको आगे जब मैं और लिपिड के टाइप्स बताऊंगी ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का जो लिपिड होता है वो सिंपल लिपिड कहलाता है। क्लियर हुआ? सिंपल लिपिड कैसे बनता है? ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल, फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। फॉर्मूला पहले ही बता चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिखी हूँ। वाटर के 3 मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होते हैं, और क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड, जिसे सिंपल लिपिड कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर के बने होते हैं, इनके कंपाउंड होते हैं। चलिए सिंपल लिपिड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं गाइस, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ऑयल। ऑयल तो जैसे कि आप सभी जानते हो, खाने का तेल, जैसे कि सरसों तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, ये सारे सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों को हाइड्रोजनेशन में बताई थी, इसका केमिकल जब प्रॉपर्टी बता रही थी कि जब हम ऑयल में क्या मिलाते हैं, कोई क्षार मिलाते हैं, कोई एल्किल ग्रुप मिला देते हैं, जैसे तेल में यहाँ पे हम लोगों ने क्षार मिला दिया, है ना। तो जैसे ही हम लोग ऑयल में एल्किल मिलाते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? साबुन बनता है। बताई थी ना फॉर्मूला, साबुनीकरण, सोपनीफिकेशन बताई थी कि कैसे तेल से जो है वो साबुन बनाते हैं और ग्लिसरॉल यहाँ से जो है वो मुक्त होता है। तो इसको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखी हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से ऑयल से अपन जो है वो साबुन बना सकते हैं। तो ये होता है ऑयल, जो कि सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं, तेल, है ना। अगला देखो क्या है? फैट, वसा। वसा मतलब, फैट का मतलब यहाँ पर किससे रिलेटेड है? घी से। तो घी कैसे बन रहा था वो भी मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी बनाई हूँ, बताई हूँ। जो ऑयल है उनके हाइड्रोजनीकरण से, जो तेल था उनका जब हम लोग निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, मींस उसमें हाइड्रोजन के 6 एटम जब हम उसमें ऑयल में ऐड कर रहे थे, तो वो क्या बन रहा था? घी बन रहा था। तो इसी घी की हम लोग बात कर रहे हैं। और घी की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो नॉर्मल टेम्परेचर में वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में घी कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं तो घी जो है वो तेल में परिवर्तित हो जाता है। अगर तेल को घी बनाना है तो उसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे। ठीक, आया समझ में फैट? तो ये भी सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं। अगला देखो फैटी एसिड, वसी अम्ल। वसी अम्ल क्या होता है?
देखो फैटी एसिड में सबसे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें हमेशा प्रेजेंट रहेगा। शुरू में जब मैं लिपिड का स्ट्रक्चर बता रही थी फैटी एसिड के थ्री मॉलिक्यूल, उसमें भी सी ओ ओ एच था ना, तो फैटी एसिड्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है सी ओ ओ एच, जो कि इन्हें एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, अम्लीय गुण प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करते हैं अम्लीय गुण, क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है फैटी एसिड्स के, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल एक सरल वसी अम्ल होते हैं। फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो फैटी एसिड्स है ना, उनको दो टाइप से डिवाइड किया गया है, फैटी एसिड्स को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों का फॉर्मूला देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ठीक। चलिए मैं बताती हूँ, वेट टू मिनट ओनली, दिख जाए है ना, थोड़ा सा मैं आईएसओ कम करती हूँ। हाँ दिख तो रहा है, इसमें कम करने की बात ही नहीं है। तो देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, उसके अंतर्गत जैसे कि एसिटिक अम्ल हो गया, पॉमिटिक अम्ल हो गया, ये सारे आते हैं। तो कैसे पहचानोगे भाई कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कैसे पहचानोगे सैचुरेटेड फैटी एसिड है? एक लंबा सा चैन दिख रहा है, सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, बट जबकि जो कार्बन और हाइड्रोजन का चैन है वो बिल्कुल लंबा सा है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड और पॉमिटिक एसिड। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। सोयाबीन, मूंगफली, ये सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ पर देखो सी ओ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है ना, ये तो रहेगा ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, जो कि एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। फर्क इसमें देखना, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा ना, वो भी चैन ही रहेगा, वो भी लंबा चैन ही आप लोगों को दिखेगा, बट कुछ कार्बन ऐसे रहेंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है ना, सैचुरेटेड में नो सिंगल, सभी में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है इसमें, है ना। कर लोगे गाइस इतना, वैसे मैंने नोट्स में और भी कुछ लिखा हुआ है फैटी एसिड्स के बारे में, तो आप लोग थोड़ा और डिटेल में देख लेना। चलिए ये तो हुआ कंप्लीट, अब ओके वन सेकेंड ना, इसको डिलीट कर देती हूँ। चलिए ये तो हुआ फैटी एसिड्स के बारे में, समझ गया ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लास्ट में हम लोग देखते हैं मोम के बारे में, वैक्स के बारे में। तो मोम कहाँ पर पाया जाता है, पत्तियों के सतह पर पाया जाता है मोम, और मोम तो आप सभी को जानते ही हो, वैक्स। तो हम देखते हैं कि जो मोम है वो भी सिंपल, मतलब सिंपल सरल लिपिड के अंतर्गत, सिंपल लिपिड के अंतर्गत ही आते हैं। किससे किससे मिलकर के बने होते हैं मोम, फैटी एसिड और मैरिसिल अल्कोहल, मैरिसिल अल्कोहल और फैटी एसिड्स को जब मिलाते हैं ना तो वैक्स बनता है। वैक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, दोनों को मिलाएंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और ये है CH3CH2 14, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2CH2 24 एंड CH3, ये मोम का फॉर्मूला है, वैक्स का फॉर्मूला है। आपको पता ही है कि मोम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर प्लांट्स के लिए मोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। सिंपल लिपिड है और मोम पानी में रहने वाले कीड़े पक्षियों को वाटर प्रूफ प्रोवाइड करता है। पत्तियों में तो पाया जाता है चलो, लेकिन जो पानी के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, पानी के अंदर जो जीव रहते हैं, उनके शरीर के ऊपरी सतह पर मोम पाया जाता है। क्यों? ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये समझ आया गाइस आप लोगों को, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए गाइस, सेकंड नंबर का हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड लिपिड, जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्त लिपिड। अभी तक हम लोग सिंपल लिपिड देखते आ रहे थे, बट क्या होता है ये कंपाउंड लिपिड? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी तक हम लोग जो लिपिड देख रहे थे वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, बट जो कंपाउंड लिपिड होगा ना, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है एंड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब ये सारे एटम जो है वो उन कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस टाइप से जो मॉलिक्यूल इस टाइप से जो लिपिड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड लिपिड कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? फॉस्फोलिपिड के बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है? कंपाउंड लिपिड है। स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियरली शो हो रहा है? तो देखिए, ये है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। इसमें दो सिरा होता है, दो भाग होते हैं इसके। चलिए बताती हूँ, पहला होता है हाइड्रोफिलिक हेड। ये जो पहला हेड दिख रहा है ना फॉस्फोलिपिड का, ये पहला क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड। और दूसरा क्या है? हाइड्रोफोबिक हेड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में हम मिक्स कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं, है ना, वाटर से ये लव करते हैं। बट जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर से हेट करते हैं, वाटर से डरते हैं। फोबिया मतलब क्या होता है? डर होता है ना। तो हाइड्रोफोबिक जो टेल है ना, वो पानी से जो है वो डरते हैं। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो क्या है? फैटी एसिड है। क्या है? फैटी एसिड। अभी कुछ समय पहले मैंने फैटी एसिड के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, कितने टाइप के होते हैं फैटी एसिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पर दो टेल दिख रहा है आपको, एक टेल जो है वो सैचुरेटेड का है। इसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को इसमें? नो। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब ये वाला जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दो फैटी, यहाँ पर फैटी एसिड्स के टेल जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक वाला हेड देखें, तो ये जो हाइड्रोफिलिक वाला हेड है वो किन से मिलकर के बना होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो इनमें होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के इनका जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड बना रहा है, जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, मतलब निगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देख सकते हो फॉस्फेट का पी ओ में जो है वो निगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ग्लिसरॉल का वन मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये होता है आपका क्या? फॉस्फोलिपिड, जिसमें दो सिरा होते हैं, हाइड्रोफिलिक ये वाला हेड है वो वाटर लविंग वाला सिरा है, और दूसरा जो टेल पार्ट देख रहे हैं वो हाइड्रोफोबिक है। तो इस टाइप से जो लग रहा है ना, एकदम कंपाउंड लिपिड टाइप संयुक्त लिपिड, जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है स्ट्रक्चर, इसका फॉस्फोलिपिड कहलाता है। समझ आ रहा है इस आप लोगों को? फॉस्फोलिपिड, नाइट्रोजन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यह फैटी एसिड के नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस युक्त ग्लिसराइड होते हैं। यह सभी प्रकार के जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह ब्लड के थक्का बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। हमारे ब्लड में जो थक्का जमता है ना, क्लॉट होता है, उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, लेसिथिन्स, सिफेलिन्स इत्यादि। दो सिरा होता है इसमें, बाइपोलर एंड पोलर, जैसे कि बताई हूँ, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। नोट्स में लिख दी हूँ, सो डोंट वरी, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये डायग्राम मैंने नोट्स में नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया फॉस्फोलिपिड का। चलिए एक और एग्जाम्पल बताती हूँ ग्लाइकोलिपिड का, वो भी इसी कंपाउंड लिपिड के अंतर्गत आएगा। तो चलिए, संयुक्त लिपिड मतलब जो कंपाउंड लिपिड है, उसका एक और आप लोग स्ट्रक्चर देख लो। ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की तरह ये भी ग्लाइकोलिपिड होता है, लेकिन ये भी कंपाउंड लिपिड है। बट फर्क क्या है इसमें? पहले हम लोग देख रहे थे उसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट था, है ना, बट इसमें फैटी एसिड तो प्रेजेंट होता ही है। यहाँ पर आप देख रहे हो फैटी एसिड के लॉन्ग चैन प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग चैन फैटी एसिड यूनिट तो यहाँ पर प्रेजेंट होता ही होता है। साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट का यूनिट भी प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट का यूनिट भी प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का यूनिट भी प्रेजेंट हो रहा है। ये है स्पिंगोसिन का फॉर्मूला, और स्पिंगोसिन कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स का लॉन्ग चैन मिल करके क्या बनाता है? ग्लाइकोलिपिड बनाता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो किसका है? सेरिब्रोसाइड का है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको या तो नोट कर लो, क्योंकि मैं नोट्स में इसको नहीं लिखी हूँ, हालांकि वहाँ पर भी मैं फॉर्मूला बताई हूँ, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे फॉर्मूला, है ना।
ये क्या है, शर्करा के लिपिड होते हैं, इनमें सुगर प्रेजेंट होता है, सुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल है, सिरोसिन, फ्रेनोसिन, केरोसिन, सेरिब्रॉन, गैंग्लियोसाइड, सेरिब्रॉन और सेरिब्रोसाइड्स, काफ़ी सारे ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मूला है। क्लियर हो गया आप लोगों को कंपाउंड लिपिड। चलिए अब हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं जो कि है युत्पन्न लिपिड या डेराइव्ड लिपिड। युत्पन्न लिपिड जिसे कहा जाता है डेराइव्ड लिपिड। तो देखो डेराइव्ड लिपिड क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आप लोगों को सिंपल लिपिड के बारे में एक्सप्लेन किया, सरल लिपिड और संयुक्त लिपिड, इनका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं ना, जब इनका हम लोग जल अपघटन कर देते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो लिपिड बनता है वो आपका डेराइव्ड लिपिड कहलाता है। डेराइव्ड का मतलब क्या समझते हो आप लोग, डेराइव करना मतलब उसको व्युत्पन्न करना, खुद से बनाना, है ना, वो क्या होता है आपका युत्पन्न लिपिड कहलाता है। मतलब इसे सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड से युत्पन्न किया जा रहा है ना, तो वो डेराइव लिपिड कहलाता है। कैसे उत्पन्न किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, इसमें कौन कौन से एग्जांपल है। सबसे पहले स्टेरॉयड, स्टेरॉयड मतलब सेक्स हार्मोन, जैसे कि पता ही है आपको सेक्स हार्मोन मेल में क्या पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक प्रकार का डेराइव्ड लिपिड है, है ना। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो कि ऑलरेडी सेक्स हार्मोन्स है, जो कि मेल फीमेल में पाया जाता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा, साथ ही साथ इनके फॉर्मूला में OH ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। तो जितने भी स्टेरॉइड होते हैं ना, जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो डेराइव्ड लिपिड के अंतर्गत आते हैं, मतलब हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं डेराइव्ड लिपिड, ठीक। अगला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो आप सभी को पता है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन में और स्प्लीन में, हमारे बॉडी लीवर में, ये सब जगह कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जब हम लोग ऐसा फैट ग्रहण करते हैं जो कि हमारे बॉडी में जा करके जो है वो जम जाते हैं, तो वही क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कहाँ कहाँ पर हमारे बॉडी में वैसे तो पाया जाता है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो तो ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। कम अमाउंट में अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो सही है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल हो तो ये क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं ना, जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनमें ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। ब्लॉकेज के कारण जो ब्लड है वो पास नहीं हो पाते, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब होने का खतरा रहता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, डेराइव्ड लिपिड के अंतर्गत आते हैं। ओके, लास्ट हमारा लिपिड क्या है गाइस, अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत लिपिड क्या होता है, अनक्लासिफाइड लिपिड। लास्ट वाला ये बता देती हूँ जल्दी से, देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या है, अनक्लासिफाइड लिपिड। तो ये अनक्लासिफाइड लिपिड क्या कहलाते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना अनक्लासिफाइड लिपिड का, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा भाई कि लिपिड है। तो आखिर क्यों इनको लिपिड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इनका कुछ कुछ ऐसा गुण है, जो घुलनशील वगैरह का गुण है ना, वो इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए रखा गया। वैसे ही पूरा थ्योरी है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, तो वो मैं क्या ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई हूँ। तो एक काम करो, अब आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, तो जो लास्ट में जो अनक्लासिफाइड लिपिड है ना, एक बार उसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। सो गाइस, आज का जो हमारा लिपिड वाला टॉपिक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिपिड का मेटाबॉलिज्म देखेंगे, कैसे लिपिड का जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लास्ट हमारा प्रोटीन और बचा हुआ है। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। एंड इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।